हम सभी जिज्ञासा से भरे हुए इंसान जब भी रात के उस घने अंधेरे में उन मोती जैसे चमचमाते तारों को देखते हैं तो वो हमारी जिज्ञासा को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं, जो कि हमसे करीब लाखों गुना बड़े होते हैं। साइंटिस्टों के एक अनुमान के हिसाब से हमारे पूरे ब्रह्मांड में करीब 1 सेप्टिलियन से भी ज्यादा तारे मौजूद हो सकते हैं। यहाँ पे 1 सेप्टिलियन का मतलब है 1 के आगे 24 जीरोस। तो इस बात से हम ये समझ ही सकते हैं कि जहाँ तक हम अपने यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर ही पाए हैं, यूनिवर्स तो वहाँ से अभी स्टार्ट भी नहीं होता। हमारी धरती का सबसे ज्यादा नजदीकी तारा है हमारा सूरज। मुझे उम्मीद है आप इस बात को जानते होंगे, लेकिन फिर भी अभी भूल गए होंगे। और क्या आप जानते हैं कि हमारे पूरे ब्रह्मांड का सबसे छोटा तारा है EBLM J055557AB, जो कि हमसे करीब 600 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। ये इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि अगर आप लाइट की स्पीड से भी यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे तो आपको फिर भी 600 ईयर्स लग जाएंगे। ये तारा हमारे जुपिटर के मुकाबले सिर्फ 80 गुना ही ज्यादा बड़ा है। और हैरानी की बात तो ये है कि इतना ज्यादा छोटा साइज होने के बावजूद भी इसके अंदर की एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे प्रोसेस से होती है। ये तारा अपने ही सोलर सिस्टम में बाइनरी पेयर में रिवॉल्व करता है, यानी कि ये तारा अपने से एक बड़े तारे के आसपास रिवॉल्व करता है, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात है। और अगर इसके साइज की कंपैरिजन अगर हम अपने सन से करें तो ये तारा हमारे सूरज का सिर्फ 20% ही है। फिर आगे अगर हम नजर डालते हैं हमारे ब्रह्मांड के सबसे बड़े तारे की, तो ये टॉपिक हमारे ब्रह्मांड में से कुछ ऐसे टॉपिक्स में से एक है जिस पर काफी देर से साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की बड़ी बहस छिड़ती रही है। लेकिन फिर साल 2016 में हबल स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए पता चला कि UY Scuti हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा था, जो कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के ईबल नेब्यूला में मौजूद था, जो कि स्कूटम कॉन्स्टिलेशन में मौजूद था। इसका आकार करीब 2.73 बिलियन किलोमीटर था। UY Scuti हमारी धरती से काफी ज्यादा दूरी पर मौजूद था, जो कि हमारी धरती से करीब 9500 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद था, जिसकी वजह से इसके बारे में और ज्यादा जान पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और UY Scuti को ब्रह्मांड के सबसे बड़ा तारा मानने से पहले बीटलजूस नाम के एक तारे को हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा माना जाता था, जो कि हमारे सूरज से करीब 1000 गुना ज्यादा बड़ा था। लेकिन UY Scuti बीटलजूस नाम के इस तारे से भी करीब 1.72 गुना ज्यादा बड़ा है। फिर बाद में ESO यानी कि यूरोपियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्टों की रिसर्च ये पता चला कि UY Scuti भी हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा नहीं था। असलियत में ये सबसे बड़ा तारे का खिताब जाता है स्टीफनसन 218 को। ये स्टार हमारी अर्थ से करीब 20 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्कूटम नाम के स्टार कॉन्स्टिलेशन में मौजूद है, जिसे कि साल 1990 में इंफ्रारेड रेस की मदद से ढूंढ लिया गया था, जिसका रेडियस हमारे अर्थ के मुकाबले 2150 गुना ज्यादा बड़ा है। फिर अगर इन सब से आगे बढ़ते हुए हम बात करें आज तक के ब्रह्मांड में ढूंढे गए सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट स्टार की, तो साल 1993 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने R136A1 नाम के स्टार को ढूंढ निकाला, जो कि एक वुल्फ राइट स्टार है, यानी कि WR स्टार है, जो कि हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा रेयरेस्ट स्टार्स में से एक है, जिनकी संख्या हमारे ब्रह्मांड में केवल 0.0003% होती है। ये सभी वुल्फ राइट स्टार्स हमारे नॉर्मल स्टार्स के मुकाबले काफी ज्यादा ब्राइट और काफी ज्यादा हैवी होते हैं। और R136A1 भी हमारे सूरज के मुकाबले 10 गुना ज्यादा हॉट है, जिसका सरफेस टेम्परेचर करीब 50,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। ये तारा इतना ज्यादा हैवी है कि अगर UY Scuti जैसे तारे को भी इसके सामने रख दिया जाए तो वो भी इस तारे के आसपास चक्कर लगाना स्टार्ट कर देगा। और ये तारा हमारी धरती से करीब 1,65,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। फिर अगर अंत में बात करें हमारे ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा गर्म तारे की, तो साल 1983 में स्पेक्ट्रोग्राफी स्टडी से ये पता चला कि हमारे ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा गर्म तारा है WR102, जो कि इतना ज्यादा गर्म था कि इसका सरफेस टेम्परेचर हमारे सूरज के मुकाबले करीब 36 गुना तक ज्यादा है। यानी कि WR102 का सरफेस टेम्परेचर है इनक्रेडिबली 2,10,000 डिग्री सेल्सियस। ये स्टार भी एक वुल्फराइट स्टार यानी कि WR स्टार है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। और साइंटिस्टों के हिसाब से हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे सिर्फ 2000 स्टार ही हो सकते हैं। ये स्टार हमारे सन के मुकाबले 3,20,000 गुना ज्यादा ल्यूमिनस है, और ये हमसे करीब 10,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। तो ये थे हमारे ब्रह्मांड के कुछ ऐसे तारे जिनके बारे में जानने के बाद साइंटिस्टों को भी ये मानना पड़ा कि हमारे ब्रह्मांड में अभी ऐसा बहुत कुछ है जो कि हमारी आज तक की जाने गए सभी विज्ञान को चुनौती देने के काबिल है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। तो मैं लेता हूँ आज की इस वीडियो से इजाज़त। मिलते हैं किसी अगली ही ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।